हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, जैसे कि आप सब लोगों के साथ मैंने पोल किया था तो उसमें पकोड़ा का जो है वोट ज़्यादा था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ हमें उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है और हम कौन कौन से पकौड़े बनाने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमने कौन कौन से पकौड़े रेडी करे हैं। हम बनाने जा रहे हैं गोभी के, पनीर के, पालक के और आलू के पकौड़े। प्याज के मैं आज स्किप कर रही हूँ, प्याज के मैं फिर किसी दिन आपको इंडिविजुअली मिक्स पकोड़े बना के दिखाऊंगी। ये गोभी को मैंने एक उबाल जितना बॉईल कर लिया था, इसमें मैंने नमक और लाल मिर्ची से इसको थोड़ा सा मैरिनेट किया है ताकि इसमें सारे फ्लेवर आए। और ये मैंने बनाया है पनीर, पनीर में भी मैंने नमक और मिर्ची से इसको मैरिनेट कर दिया है। पालक मैं अभी ऐसे ही रखूँगी क्योंकि उसको मैं बेसन के साथ घोलूँगी, तो वो मैं आपको जैसे जैसे आगे प्रोसीजर है मैं बताती जाऊंगी। आलू को भी मैंने नमक और मिर्ची से, लाल मिर्ची से मैरिनेट कर लिया है। तो आइए चलिए बनाने दिखाती हूँ आपको। मैंने नमक स्वाद अनुसार है और मिर्ची भी आप जैसे ज़्यादा कम जैसा भी चाहते हैं आप वैसे ही डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें बेसन का मेन रोल है, बेसन मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कैसे घोलती हूँ और बिल्कुल बनते हैं मार्केट स्टाइल। ये मैंने बेसन का जो बैटर बनाना है उसके लिए मैंने लिए 3 कप बेसन, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ पकौड़ों की, जिसमें मैंने 3 कप बेसन लिया है। उसमें जाएगा ये सब्जी मसाला, ये मैंने 1 स्पून लिया है, 1 चम्मच लिया है। और ये लिया मैंने चाट मसाला 1 चम्मच और 1/4 स्पून लिया है मैंने भुना जीरा मसाला। ये मैंने लिया है आधे चम्मच जितनी हल्दी और साथ में लिया है मैंने इसके 1/4 स्पून गरम मसाला। ये लाल मिर्ची ली है, लाल मिर्ची मेरी तीखी थोड़ी कम है तो इसलिए मैंने 1 स्पून लाल मिर्ची ली है। और ये मैंने नमक लिया है जो कि मैंने थोड़ा कम ही लिया है क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाला में नमक होता है, तो नमक स्वाद अनुसार। और ये मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन मैंने 1 स्पून लिया है। और हम डालेंगे हींग। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको मिक्स करना है बैटर को हमने। और लिया है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी चाट मसाला और भुना जीरा, ये हमारा किचन किंग मसाला गया इसके अंदर। हल्दी पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, और डालेंगे अजवाइन, थोड़ा सा डालेंगे हम हींग, हींग हम चुटकी भर, 2 चुटकी हींग डालेंगे इसमें। और डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इसमें धीरे धीरे करके हम पानी डालेंगे, सारा पानी एक साथ नहीं डाल देंगे। अभी मैंने 1 कप पानी डाला है। ऐसे बैटर मिक्स करने से लम्स नहीं बनते, इजीली लम्स डिसॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा पानी और डालेंगे, करीबन मैं इसमें 2 कप पानी डाल चुकी हूँ। ये देखिए मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी है। अभी इसको हम रेस्ट करने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और अगर हमें पानी की और ज़रूरत होगी तो हम इसमें और पानी ऐड कर देंगे। अभी टोटल 2 कप पानी में ही ये मेरा बैटर बन के तैयार है। ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था और ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। गोभी का पकौड़ा सबसे पहले मैंने डाला इसमें, और अभी क्या करेंगे हम कच्चे पकौड़े तलेंगे, 1 सिंगल फ्राई जो हमने मीडियम फ्लेम पे करना है।
सारे गोभी को मैं मतलब डबल टाइम हम लोग पकोड़ों को फ्राई करेंगे। तो पहले हल्का सा हम इनको भुनेंगे, मतलब बेसन का हल्का कच्चापन कम हो जाए। फिर उसके बाद हम इनको हाथ से प्रेस करके दोबारा से, जैसे आप बाहर भी देखते हैं हलवाई पहले से ही फ्राई करके रख लेते हैं इकट्ठे पकोड़े, और उसके बाद एक सिंगल फ्राई हमने देना है मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम नहीं करनी है, याद रखिएगा, हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकोड़ों को सिंगल फ्राई देना है। इसके बाद करके हम सारे पकोड़े इसी तरीके से, इसी मेथड से निकालते जाएंगे टिश्यू पेपर में, और उसके बाद दोबारा से इनको हथेली से प्रेस करके हम लोग दोबारा से फ्राई करेंगे, जो हम हाई फ्लेम पे करेंगे। फर्स्ट हमने करना है मीडियम फ्लेम पे फ्राई, सेकंड हमने जो फ्राई देना है वो हमने फुल फ्लेम पे हमने इनको फ्राई देना है। अब इसी तरीके से हम आलू के पकोड़ों को भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके अपने आलू के पकोड़े डालेंगे, उनको भी हम मीडियम फ्लेम पे ही सिंगल फ्राई देंगे, और उसके बाद हथेली से प्रेस करके फुल फ्लेम पे हम लोग दोबारा से इनको पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके मैंने अपने सारे आलू के पकोड़े इसमें डाल लिए थे, और मीडियम फ्लेम पे इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और पकोड़े थोड़े से ठंडे हो जाएंगे मीनवाइल, दूसरे जब तक आप एक लॉट तैयार करेंगे, दूसरा लॉट हल्का मतलब गर्म रहेगा, तो आप अच्छे से हथेली से उसको दबा के प्रेस करके दोबारा से फ्राई कर पाएंगे। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक कटोरी लेके उससे भी आप किसी मतलब जैसे चकला लेके उसके ऊपर रख के आप प्रेस कर करके अपना पकोड़े डालते जाएं। मैंने पहले ही एक जगह रख के उनको अच्छे से प्रेस करके और मैं फ्राई करते गई। अब हमारी जो बारी आई है, अब वो हमारी बारी आई है पालक के पकोड़ों की। पालक के पकोड़ों में मैंने पालक लिया, उसमें मैंने बेसन डाला, बेसन मतलब 2 कड़छी जितना बेसन डाला था, नमक स्वाद अनुसार डाला उसके अंदर मैंने, और मैं इसी के पानी में ही मिक्स करूँगी इसको, और थोड़ा सा लाल मिर्ची, चाट मसाला, जीरा भुना डाला था मैंने, हल्दी पाउडर डाला इसके अंदर। चाट मसाला के हिसाब से ही नमक डालेगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी नमक होता है। भुना जीरा भी डाल दिया था मैंने इसमें। अब इसको मैं इसी के पानी में जितना हो सके उतना मैश करूँगी, और हल्का सा पानी डाला था मैंने, करीबन हाफ कप से भी कम होगा पानी, और हमें ऐसा ही बैटर चाहिए। अब इसको एक एक करके, पालक के पकोड़ों को भी मैंने पहले मीडियम फ्लेम पे सिंगल फ्राई दिया, उसके बाद मैंने हाई फ्लेम पे तल लिए थे सारे पकोड़े। अब ये देखिए, मैंने हैंड से पूरा इनको प्रेस करके रखा हुआ है गोभी को। अब ये सिंगल फ्राई निकाल लूँगी मैं पालक के पकोड़े भी। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनते हैं, आप ऐसे ट्राई करके देखिएगा। अब एक एक करके फ्लेम मैंने कर दी हाई, अब मैं सारे से पकोड़े डबल फ्राई सेकेंड टाइम फ्राई कर रही हूँ। ऐसे करके अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, पहले से बना के रख सकते हैं, जब वो आए तो आप दोबारा से उनको फ्राई कर सकते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी मेरे गोभी के पकोड़े बन के तैयार हैं, बहुत यम बने थे, और बहुत मेरे को तारीफ़ भी मिली थी इन पकोड़ों के लिए। अब ऐसे मैंने आलू के पकोड़े भी फ्राई करने डाल दिए, अब ये भी सारे फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिए पकोड़े। ऊपर से चाट मसाला डालना मत भूलिएगा, बहुत यम लगते हैं। अब इसी तरीके से एक एक करके मैं अपने सारे पालक के पकोड़े भी डाल दूंगी। ये देखिए पालक के पकोड़े मेरे फ्राई होके तैयार हैं। अब पनीर के पकोड़े की बारी। पनीर के पकोड़े के लिए मैंने डबल फ्रायर नहीं किया, इनको मैंने सिंगल फ्राई ही दिया है, क्योंकि पनीर को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बन के तैयार हैं हमारे पकोड़े असॉर्टेड, बहुत टेस्टी बने थे, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे। साथ में मैंने पुदीना की घर की चटनी बनाई थी। आई होप आपको मेरी ये असॉर्टेड पकोड़ा की रेसिपी पसंद आए, और आप ऐसे बना के देखिएगा, बिल्कुल मार्केट स्टाइल पकोड़ों का टेस्ट आता है, और हल्का सा ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर लीजिएगा, वो मैं वीडियो में डालना भूल गई, स्किप कर गई।
और इसी तरीके की और भी अच्छी सी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए आपको क्या क्या रेसिपीज़ चाहिए, मैं और अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए बनाऊँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एज आई ऑलवेज से, खुश रहिए, मस्त रहिए, इन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय, टेक केयर।